Hello friends, myself Dr. Sunil Kumar or aap dekh rahe hain Dr. Kumar Education. Today we talk about the alcoholism. Hum ek society ke liye ek initiatives le rahe hain, educate karne ki koshish kar rahe hain ki hamari society sedation free ho, alcohol free ho, smoke free ho aur hum kisi bhi tarike ke nashe se bache. और किसी भी तरीके के नशे से बचने का यही तरीका है कि आप अपने को एजुकेट करें, अंडरस्टैंड करें और उससे बचें. सो टुडे हम इस सीरीज में आज बात करेंगे कि अल्कोहलिज्म क्या होता है, अल्कोहलिज्म क्या है, लोग क्यों दारू पीते हैं, लोग क्यों दारू छोड़ नहीं पाते हैं और उससे क्या आपको नुकसान होता है. तो अल्कोहलिज्म एक वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे विश्व की एक प्रॉब्लम है और हर फोर्थ एंड फिफ्थ पर्सन आज सेडेशन की लत में है, मतलब वो नशा करता है, उस नशे के बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकता. और दुनिया भर में बहुत सारी जो डेथ है वो अल्कोहल के कारण होते हैं. अल्कोहल के कारण बहुत सारे हमें न्यूरोलॉजिकल और बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें कॉमनली लिवर डिजीज है और दूसरी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अल्कोहलिज्म है क्या, क्यों हम दारू पीते हैं. सबसे बड़ा सवाल है कि दारू हम क्यों पीते हैं. कुछ लोग दारू इसलिए पीते हैं कि वो ये सोचते हैं कि उनके जो बॉडी का पेन है, मानसिक शारीरिक जो प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है, उससे वो बच सकते हैं दारू पी के. और टेम्परेरी शायद उन्हें थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिलता है, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी, उससे कोई बहुत लॉन्ग टर्म कोई फायदा नहीं होता. कुछ लोग अपने मूड को लिफ्ट करने के लिए पीते हैं, मतलब मूड डिसऑर्डर को डील करते हैं. कुछ लोग आपके उनको मूड थोड़ा सा लिफ्ट हो जाएगा, जब मूड उनका थोड़ा लिफ्ट हो जाएगा तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है. और एक कुछ लोगों में देखा गया है कि बहुत सारे क्रेजी एक्ट करते हैं, वो क्रेज में पीते हैं, पागलपन में पीते हैं कि भैया सब पी रहे हैं और क्रेजी एक्ट है, बहुत अच्छा लगता है, सेलिब्रेशन का मामला ये, ठीक है. और उसके बाद एक डिप्रेशन होता है कुछ लोगों में, मतलब डिप्रेशन की बीमारी है, उसको डील करने के लिए लोग दारू पी लेते हैं. स्विंग मूड जो है वो स्विंग होता है, उसको डील करने के लिए लोग दारू पी लेते हैं. और आपने देखा होगा कि स्लीपिंग पर्पस के लिए, मतलब लोग सोचते हैं कि हम इसको पी के सो जाएंगे, इसलिए भी दारू पीते हैं. और देखा जाता है कि जो लोग अल्कोहलिज्म की लत में है, दारू की लत में है, किसी भी केमिकल नशे की लत में है, वो लोग बहुत लो विल पावर उनकी होती है, मतलब कंडीशन से, हालात से, प्रॉब्लम से लड़ने के लिए उनके पास ना तो कोई फ्रेम होता है, ना कोई प्लानिंग होती है और ना ही कोई विल पावर होती है. कुछ लोग सोचते हैं हेल्थ के लिए अच्छा है और इसके हेल्थ बेनिफिट है, लेकिन दारू या कोई भी केमिकल कुछ मेडिकल बेनिफिट दे सकता है, लेकिन मेडिकल बेनिफिट जो है वो बीमार आदमी के लिए होते हैं, आप लोग बीमार नहीं हो. तो आप लोगों के लिए दारू का कोई मतलब नहीं है, अल्कोहल का, केमिकल नशे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हेल्थ बेनिफिट जो होंगे वो किसी बीमार आदमी के लिए हो सकते हैं. किसी नॉर्मल आदमी के लिए इथाइल अल्कोहल या कोई भी केमिकल सेडेशन कोई फायदा नहीं करता. तो ये एक चीज देखी जाती है. रॉयल एक्ट है, क्रेजी एक्ट है, सेलिब्रेशन है, हमारे परिवार में सब पीते हैं, एक फैमिली इन्वायरमेंट होता है, लोग सेलिब्रेशन के लिए पीते हैं. हम बहुत सारी चीजें देखी जाती है, हम एक पैक पीते हैं, हम बहुत अच्छा ब्रांड पीते हैं. तो ये सब सारी चीजें ये अल्कोहलिज्म को शुरू करती है. कोई भी इंसान पहले दिन एक बोतल नहीं पीता है, वो एक पैक ही पीता है. उसे पहले दिन बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है, बहुत तरह का विड्रॉल होता है, लेकिन पता लगता है कि कुछ दिन के बाद वो बोतल के साथ ही जीना शुरू कर देता है. सो ये एक अल्कोहल के पीछे एक रीजन है जो हमारी सोसाइटी में देखा जाता है. सो जो अब बात आती है कि भाई अल्कोहल किसी ने पीना शुरू कर दिया, वो अल्कोहल को छोड़ना चाहता है, उसकी लत से बचना चाहता है, नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, तो कौन सी बेसिकली ऐसी चीज है कि जो उसको रोकती है, ऐसी कौन सी चीजें हैं. उसकी बॉडी में एक विड्रॉल शुरू हो जाएगा, एक डिपेंडेंस शुरू हो जाएगा, मतलब उसको अब उसकी आदत पड़ गई है और वो उसको पीने लग गया. क्योंकि अल्कोहल एक एनेस्थेटिक है, इसको हम मतलब स्लो पॉइजन कह सकते हैं, एक न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट इसका आता है. ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप डेली ऑक्सीजन और वाटर ले रहे हैं और ऑक्सीजन और वाटर के साथ आप एक पॉइजन लेना शुरू करते हैं, तो जैसे बॉडी को पानी की और हवा की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही बॉडी को फिजियोलॉजिकल काम के लिए, साइकोलॉजिकल काम के लिए, इमोशनल काम के लिए आपके पॉइजन की जरूरत पड़ेगी. तो अल्कोहल के रूप में आप ले रहे हैं या किसी भी और दूसरे नशे के आप में रूप में आप ले रहे हैं, और हम ये रियलाइज भी नहीं करते, हम डिनायल में आ जाते हैं, मतलब उस फैक्ट को हम नहीं मानते कि हम डिपेंडेंट हैं, हम अल्कोहलिज्म की लत के अंदर है और हम जी नहीं सकते.
और जस्टिफिकेशन शुरू कर देते हैं। हम जब हम खुद अपने को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं अल्कोहलिज्म के साथ, तो वापसी और उसका रिहैब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप अल्कोहल को क्विट नहीं कर पाते, मतलब इंसान अपने आप को कन्विंस कर लेता है, जस्टिफाई करता है विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल। ट्राई टू कन्विंस योर वर्ड, जस्टिफाई योरसेल्फ विद अ लॉट ऑफ लॉजिकल एग्जांपल, जो कि डिनायल का एक बहुत बड़ा मोड ऑफ ऑपरेटिंग बन जाता है। अब हम इस पे बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है अल्कोहलिज्म के कारण से, कि जो डिपेंडेंस बहुत स्ट्रांग हो जाता है, हम छोड़ नहीं पाते, बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं छोड़ पाते। सो डिपेंडेंस में एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, एक फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस है, एक न्यूरोलॉजिकल इमोशनल डिपेंडेंस है, और उसके साथ साथ एक स्पिरिचुअल डिपेंडेंस भी बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे भगवान भी पीते थे, हमारे गॉड या जो हमारे फोर फादर हैं या जो हमें गाइड करते हैं, जो गुरु है हमारे, वो भी दारू पीते हैं, तो हम भी पी लेते हैं, वो भी कोई केमिकल का नशा कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। तो हम इसको 4 से 5 लेवल पे जस्टिफाई करते हैं, और 4 से 5 लेवल पे जस्टिफिकेशन के साथ साथ हम 4 से 5 लेवल पे ही एक डिपेंडेंट में हम डिपेंडेंट इस पे हो जाते हैं। मतलब हमें सोचने के लिए, हमें काम करने के लिए, हमें हंसने के लिए, हमें रोने के लिए, हमें मेंटली एक्ट करने के लिए, हमें फिजियोलॉजिकल एक्ट करने के लिए, हमें हमारी जो मेटाबॉलिक चीजें हैं, मतलब हमारी जो भूख प्यास है, हमारी सोच है, हमारी नींद है, हमारा बहुत सब उस पर निर्भर हो जाता है। यानी कि हम कंप्लीटली डिपेंडेंट में आ चुके हैं, और हम एक टॉक्सिन्स के साथ, अपने विड्रॉल के साथ हम अब जीते जा रहे हैं। एक बायोकेमिकल चेंज बॉडी में आ जाता है, और जब एक बायोकेमिकल चेंज हो जाता है, डोपामाइन का सेक्रीशन बदल जाता है और टॉक्सिन्स हम अपनी बॉडी को देने लग जाते हैं, तो वो हमें एक लत पैदा करता है। बार बार हम कोशिश करते हैं लेकिन बार बार हमें प्रॉब्लम्स होती है। एक पॉजिटिव पार्ट ये है कि जिस तरीके से आपने अल्कोहल को शुरू किया, आप अल्कोहल को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अल्कोहल से ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रेजी दूसरी चीज को आपको बनाना पड़ेगा। जितनी वैल्यू, जितनी इंपॉर्टेंट आपने अल्कोहल को दी है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको अपनी हेल्थ को देनी पड़ेगी, अपने काम को देनी पड़ेगी, सोसाइटी को देनी पड़ेगी, अपने फैमिली को देनी पड़ेगी। और आप नॉर्मल लाइफ को यदि वैल्यू देंगे, इन सबको वैल्यू देंगे, तो आप अल्कोहल छोड़ सकते हैं। सो आप कोशिश करें, आप इस वीडियो को देखें, पूरा अंडरस्टैंड करें, एक खुद से प्लान बनाएं, एक खुद से रेजोल्यूशन लें कि आप अल्कोहल नहीं लेंगे, अल्कोहल छोड़ देंगे। और यदि आपसे नहीं हो पाता है तो मेरा एक नेक्स्ट वीडियो है इसके बारे में कि आप कैसे अल्कोहलिज्म को क्विट कर सकते हैं, कि अल्कोहल आप कैसे छोड़ सकते हैं। पॉजिटिव मैसेज ये है आपके लिए कि लाइफ में हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने से प्यार करें, अपने बॉडी से प्यार करें, अपने फैमिली से प्यार करें, और नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राई टू क्विट। तो आप मेरा दूसरा वीडियो देखें जिसमें हम ये आपको बताएंगे कि आपके कौन से ऐसे मेथड, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं जिन पे आप जाकर अल्कोहल को छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।